हे गाइस, आप लोग को एक बहुत ही अच्छी चीज दिखा रहा हूँ। बाइक का नाम मैंने रख लिया है और ये रहा मेरी बाइक का नाम। तो कैसा लग रहा है बाइक का नाम? नहीं, बाइक का नामकरण हो चुका है और ये है रैप्टर। कैसा लग रहा है बाइक का नाम कमेंट्स में बताना, और अगर किसी को रैप्टर का मतलब पता है तो वो भी बताना। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, और ये रही मेरी रैप्टर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रैप्टर के प्राइसिंग के बारे में, रैप्टर की EMI और फिर उसकी परफॉर्मेंस, इतने टाइम मैंने यूज़ किया है उसके ऊपर, और कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी जो मुझे यूवी की टीम से मिली है। सब चीज़ पे बात करते हैं, फटाफट से चालू करते हैं वीडियो को, एंड तक देखना क्योंकि मुझे अल्ट्रा वॉलेट की टीम की तरफ से कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है मुंबई के लिए। सो वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में मैं वो चीज़ शेयर करूँगा। तो सबसे ज़्यादा मुझे यही पूछा गया है कि इसकी प्राइसिंग क्या है, क्या कॉस्ट पड़ी और EMI क्या आई है। तो अब मैं बताता हूँ इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ी है, इसकी EMI क्या आई है, आप कैसे ले सकते हो इसको, ठीक है। सो अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जा रहे हो तो आपको इसकी ऑन रोड प्राइस मुंबई में अराउंड 5 लाख तक पड़ेगी। 5,05,000 समथिंग अराउंड कितना पड़ेगा अगर आप पूरा कैश पे ले रहे हो। अगर आप EMI पे ले रहे हो, मतलब लोन पे ले रहे हो, तो आपको अराउंड कम से कम 80,000 से लेके 1 लाख तक का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले, एंड देन आपका जो लोन प्रोसेस है वो लोन प्रोसेस करवा के अब आगे बढ़ सकते हो। बात करते हैं इसके लोन प्रोसेस की। तो अभी फ़िलहाल यूवी मतलब अल्ट्रा वॉयलेट ने 2 बैंक को प्रोवाइड किया है, जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है, मे बी उन लोगों ने एड ऑन किया रहेगा कुछ और बैंकों को, बट अभी तक 2 बैंक को प्रोवाइड किया है फाइनेंस के लिए, एंड वो है एक कोटक महिंद्रा बैंक और एक HDFC बैंक। तो आप दोनों बैंक से अपना कोटेशन निकलवा सकते हो और देन आप यूवी के थ्रू फाइनेंस कंप्लीट करके आप अपनी बाइक ले सकते हो। बात करते हैं बाइक की प्राइसिंग की। मैंने EMI बता दी है, बैंक अवेलेबल है 2, और इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ेगी, आपको ये इन्वॉइस, ये जो बाइक का इन्वॉइस है, ये मेरे हाथ में बाइक का इन्वॉइस है और वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप स्क्रीन पर देख लेना। बाइक की एक्स शोरूम प्राइस है वो 4,55,000 है, जो कि टॉप मॉडल है, जो रेकॉन है टॉप मॉडल इसका, एंड उसके बाद आपको इसके अंदर इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब वो सब एड ऑन होएगा और उसका प्राइसिंग जाएगा। जो दूसरी आपको कॉस्ट लगेगी वो है एडमिनिस्ट्रेटर चार्जेस की, जो कि है अराउंड 10,502 रुपीज़। उसके अंदर क्या इंक्लूड होएगा, जो कि है आपका नंबर प्लेट जो कर्नाटका से यहाँ पर अपने मुंबई में रजिस्टर होगा, उसके चार्जेस है, RTO चार्जेस है, वो सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। एंड यूवी केयर प्लस आप देख सकते हो, वैसे भी ये उन लोगों ने इंक्लूड दिया है, तो एज अ फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो कि मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि अगर वो गाड़ी यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट करना, गाड़ी यहाँ पर लाना उनका काम है, बट देन डू यहाँ पर चार्जेस लगाया है 7,000 रुपीज़। सो इन टोटल आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो पे करना पड़ेगा वो अराउंड 17,500 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ेगा। जो ओवरऑल एक्स्ट्रा आपको चार्जेस लगने वाले हैं वो 17,500 के आसपास लगेंगे, बट हाँ, ये चार्जेस आपके बच सकते हैं जब यूवी मुंबई में ओपन हो जाएगा, उनका शोरूम ओपन हो जाएगा। और क्यों बच सकते हैं, बिकॉज वो अभी तक रजिस्टर नहीं है महाराष्ट्र में, आई गेस उन लोगों ने मुझे ऐसा बताया था,
एंड इसकी वजह से पहले उन लोगों को कर्नाटका में रजिस्टर करना पड़ता है एंड देन यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है, एक टाइप का ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो। सो जब महाराष्ट्र में ओपन हो जाएगा तो मे बी उन लोगों के पास जो भी है लाइसेंस या भी जो भी आर टी ओ का प्रोसेस है उनका कम्प्लीट हो जाएगा और वो डायरेक्टली यहाँ से ही रजिस्टर कर सकते हैं। एंड सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बच जाएगा क्योंकि अगर शोरूम होगा तो शोरूम में बाइक्स भी आएंगी एंड उसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बच जाएगा। सो मे बी ये 17,000 आपको कम पे करना पड़ेगा बाद में, बट आई एम नॉट श्योर ऑन दिस। करते हैं बाइक की परफॉर्मेंस की, और बाइक की परफॉर्मेंस जहाँ तक मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ही स्मूथ चल रही है बाइक। बट जो मुझे इशू फेस करनी पड़ी है वो करनी पड़ी है इसकी चेन के साथ। सो मैं दिखाता हूँ इधर, ज़रा पास में लाना कैमरा, और जैसे कि आप देख सकते हो चेन थोड़ा लूज हो गया है एंड मैंने ये चीज़ की कंप्लेंट डाल दी है पहले ही। एंड अभी फ़िलहाल उन्होंने बोला है सर्विस, फर्स्ट सर्विसिंग में उन लोग ये फिक्स कर देंगे। तो चेन थोड़ा लूज़ हो गया है, बस दैट्स इट, इतना मुझे प्रॉब्लम हुआ है चेन के साथ। बात करते हैं इसके कंसोल की, तो आप देख सकते हो ये है इसका कंसोल और ये इधर कुछ इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स हैं वो आपको यूवी केयर वाले भी बता देंगे। सो दिखाता हूँ मैं इसके अंदर की चीज़ें। तो सबसे पहले आपको मिलता है माई F77, जिसके अंदर आपको मिलेगा इस बाइक के ऊपर डिटेल्स सब, उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसका वेरिएंट, ओडोमीटर और IMEI नंबर, बिकॉज ये एक इंटरनेट कनेक्टेड बाइक है तो इसकी वजह से आपको इसके अंदर IMEI नंबर भी मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना कार्बन फुटप्रिंट इसने सेव किया है अब तक। सो बैक जाते हैं, ये है इसका नेविगेशन सिस्टम और ये है इसका मैप, और इसके अंदर आप इसका एंगल व्यू भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये इसका एंगल चेंज हो रहा है और इससे आप जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हो। सो आपको जो भी हैंडल करना है वो आपके पास यहाँ पर कंसोल है, कंसोल से हैंडल करना पड़ेगा आपको ये सब चीज़। एंड ओके, तो ये है इसका मैप, यहाँ पर आपको आपकी स्पीड दिखेगी और यहाँ पर आपको रेंज दिखेगा, और जो मोड है वो आपको यहाँ पर ही पता चल जाएगा क्योंकि एज इन दिस इज़ नाउ इन ग्लाइड मोड, सो यू कैन सी कि यहाँ पर ग्लाइड वाला ही आइकन आ रहा है। जैसे ही मैं अगर मोड चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आइकन चेंज हो गया है और वो कॉम्बैट पे चला गया। जैसे ही वापस मैं चेंज करता हूँ तो ये बैलिस्टिक आ गया, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बाकी टाइमिंग, नेटवर्क कनेक्टिविटी और बैटरी आपको यहाँ पर दिख रही है। बैक करते हैं और जाते हैं इसके मेन कंसोल पे वापस, और ये आपका ट्रिप्स, तो यहाँ पर आपको ट्रिप्स दिखेगी जो भी आपने सेट की होगी। फिर जाते हैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स में डिस्प्ले है जो कि आपको ऑटो ब्राइटनेस ऑफ देगी, मैनुअल आप अगर रखना चाहते हो जितना वो दिखाई दे, और मोड्स है नाइट और ऑटो के लिए। सो ऑटो अगर करोगे तो यहाँ पर सेंसर है वो अपने आप डिटेक्ट करता है और डे और नाइट के कंडीशन में अपने आप चेंज हो जाता है। एंड ये रहा इसका साउंड, तो ये इसका साउंड था। बैक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, ये है इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको मिलेगा ड्यूल चैनल ABS, मोनो और ड्यूल दोनों है, यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हो। तो अगर किसी को थोड़ा बैक ब्रेक के साथ खेलना है और थोड़ा फन राइड चाहिए तो आप मोनो पे रख सकते हो। मोनो में सिर्फ आगे वाला एक्टिवेट रहेगा ABS और पीछे वाला बंद हो जाएगा, एंड ड्यूल में आपका दोनों एक्टिवेट रहेगा। मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि आप ड्यूअल ही रखें क्योंकि बात आपके सेफ्टी की है। एंड सेकेंड थिंग है यहाँ पर रीजनरेशन, तीन मोड्स है रीजनरेशन में, हम उसको ऑफ नहीं कर सकते, बट लो में एक्चुअली इट लुक्स लाइक कि वो ऑफ ही है, सो इसको ऑफ नहीं कर सकते। मैंने इसको हाई में रखा है बिकॉज थोड़ा हेल्प हो जाता है रीजनरेशन से, बैटरी को पावर मिलता है। एंड ये है इसका डॉक्यूमेंट पार्ट, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो जो भी है आपके, और ये है इसका ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ऑन है, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया है मैंने। एंड सेकंड है यहाँ पर आपको बैटरी, बैटरी दिख जाएगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 32 डिग्री सेल्सियस इसका बैटरी का टेम्परेचर है, बैटरी कंडीशन एक्सीलेंट है, बैटरी का भी सीरियल नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये थी इसकी कंसोल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना किलोवाट पर किलोमीटर पर ये कंज्यूम कर रहा है। सो अभी देख, जैसे कि देख सकते हो जितना ज़्यादा ये किलोमीटर होगा, सॉरी जितना ज़्यादा ये वॉट होगा उतनी ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन आपकी होगी और उतना कम रेंज आपको मिलेगा।
सो आप ट्राई करो कि फटाक से मतलब एकदम फास्टली आप उसको एक्सेलरेट मत करो, क्योंकि उतनी ज़्यादा वोट ये यूज़ करेगा, कंजम करेगा, और देन फिर आपका रेंज डाउन हो जाएगा। सो अगर आप इसको 35 या 40 या फिर मोस्टली अगर आप सिंगल हाईवे पे अगर कंटिन्यूसली स्ट्रेट चलाए जा रहे हो, तो उसमें आपको ये कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है, अराउंड 25 से 30 भी 30 पे भी टच हो जाती है, तो उसकी वजह से इसका रेंज बहुत बढ़ जाता है। सो अगर आप जैसे ही इसको चेंज करते हैं मोड, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि रेंज कम होता है, क्योंकि वो उस हिसाब से पावर उसको देने लगता है। सो बात करते हैं इसके बैलिस्टिक मोड की। बैलिस्टिक मोड में भी आप ये देख सकते हो स्पीड, सॉरी रेंज है इसका 119 किलोमीटर, वो भी 62% बैटरी पे। सो बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं है, इसके लिए इसका रेंज कम दिखा रहा है। एंड तो ग्लाइड मोड में इसकी जो टॉप स्पीड जाती है वो अराउंड 90 किलोमीटर तक जाती है, जहाँ तक मैंने टच किया है। और कॉम्बैक मोड पे ये मोर देन 120 चली जाती है आराम से, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो इतने स्पीड पे, बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर यू ऑल्सो और इट्स नॉट सेफ फॉर योर फैमिली ऑल्सो। सो इतना ज़्यादा स्पीड पे नहीं जाना। और अगर आप बात करो बैलिस्टिक मोड की, बैलिस्टिक मोड पे आराम से ये 150 किलोमीटर ऊपर चली जाती है। सो ये था इसका कंसोल, और बाकी चीज़ आप देख सकते हो, ABS यहाँ पर शो कर रहा है, ओडोमीटर यहाँ पर शो कर रहा है, ये है डेट टाइमिंग, नेटवर्क कनेक्टिविटी, और ये है इसकी बैटरी परसेंटेज। ये था ओवरऑल इसके कंसोल का पार्ट। कंसोल में मुझे सिर्फ एक लैग फेस हुआ था, और वो था उसका कंसोल अटक गया था मोड्स चेंज करते टाइम, बट बाइक चल रही थी, पावर वैसे दे रही थी मोड्स के हिसाब से, सिर्फ स्क्रीन लैग हो गया था, एंड वो भी फर्स्ट OTT अपडेट के बाद फिक्स हो चुका है। सो बात करते हैं बाइक के साथ मुझे क्या क्या मिला, क्या एक्सेसरीज मिला। सो अगर आपको इस पे एड ऑन एक्सेसरीज लगवाना है, तो उनकी चार्जेस हैं, एंड वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सो वो सब उसके एड ऑन एक्सेसरीज हैं, एंड जो बाइक के साथ मिलता है वो आपको मिलता है इसका स्टैंडर्ड चार्जर। सो स्टैंडर्ड चार्जर आप लेने जाओगे तो, मतलब स्टैंडर्ड चार्जर एक्चुअली आपको फ्री मिलेगा बाइक के साथ, और आप अगर बूस्ट चार्जर लेने जाओगे तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है, अराउंड 35,000 कुछ या फिर 25,000, वो आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, और UV टीम के साथ एक्चुअल प्राइस ले सकते हो, बिकॉज देर इज़ अ GST एंड ऑल इंक्लूडेड ओवर देर। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द राइट प्राइस, तो आप जाके उसके ऊपर एक डिटेल्स ले सकते हो कि स्टैंडर्ड चार्जर के साथ अगर बूस्ट चार्जर लेना है तो क्या कॉस्ट है। तो उन लोगों के पास दो वेरिएंट है, कि आप बूस्ट चार्जर और स्टैंडर्ड चार्जर साथ में भी ले सकते हो, और सिर्फ आप स्टैंडर्ड चार्जर को हटा के सिर्फ बूस्ट चार्जर भी ले सकते हो। बट आई विल रिकमेंड कि स्टैंडर्ड चार्जर लेना आपको अच्छा पड़ेगा, क्योंकि वो पोर्टेबल है, आप बैग में डाल के लेके जा सकते हो, एंड अगर आप लॉन्ग टूर के लिए कर रहे हो, लेके जा रहे हो, तो आप कहीं पर भी 3 प्लग में लगा के उसको यूज़ कर सकते हो। एंड बाकी अगर आप बूस्ट चार्जर देख रहे हो, तो मोस्टली हर चार्जिंग स्टेशन पे आपको बूस्ट चार्जर अवेलेबल हो ही जाएगा, आपको बस इसकी कनेक्टिविटी देखनी है, और आप प्लग करके फास्ट चार्जिंग कर सकते हो उसको। तो बूस्ट चार्जर अगर आप घर के लिए ले रहे हो, जहाँ पर आप फिटिंग करवा रहे हो, तो उसके लिए बेस्ट है, बट पोर्टेबल चार्जर जो है इसका स्टैंडर्ड चार्जर है, वो आई विल रिकमेंड कि वो साथ में रखें, बिकॉज वो बहुत लाइट है। सो बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम की, और चार्जिंग इसको होने के लिए अराउंड लगता है, जो स्टैंडर्ड चार्जर्स हैं वो अराउंड लगता है 6 से 7 घंटा, बिकॉज अगर आप इसको 0 से 100 करने जाओगे स्टैंडर्ड चार्जर से, तो मे बी मोर देन लाइक 7 आवर्स लग सकते हैं, बट अगर आप 20-30% पे रखते हो बाइक को, जो कि रिकमेंडेड है कि इससे कम मत जाओ, बिकॉज बैटरी कंडीशन अच्छी रहेगी। सो अगर आप उतना रखते हो, तो आपको चार्जिंग टाइम लगेगा अराउंड 6 से 7 घंटा, एंड उसके अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगा, मे बी इससे भी कम लगेगा आई गेस। अगर आप बूस्ट चार्जर से इसको चार्ज करते हो, तो आपको विद इन 2.5 आवर्स में पूरी चार्ज हो जाएगी ये। सो ये है कि आप बूस्ट चार्जर से बहुत फटाक से चार्ज कर सकते हो। तो मेरा जो है, मैं यूज़ करता हूँ इसका स्टैंडर्ड चार्जर, और स्टैंडर्ड चार्जर रात को लगा देता हूँ मैं, एंड सुबह तक बाइक रेडी रहती है मेरे, सोने के टाइम पे मोस्टली मैं इसको लगाता हूँ। सो इसकी वजह से मैंने स्टैंडर्ड चार्जर ही लिया है, बूस्ट चार्जर नहीं लिया।
बाइक के साथ आपको स्टैंडर्ड चार्जर मिलेगा, अगर आप हेलमेट लेना चाहोगे तो हेलमेट मिलेगा, और हेलमेट का अलग से कॉस्ट है, हेलमेट साथ में नहीं है तो हेलमेट का भी अलग से कॉस्ट है। हम लोग को साथ में इनके एक्सक्लूसिव टी शर्ट्स दी गई थी, एंड आई डोंट नो वो आप सभी को मिलेगी कि वो सिर्फ मुंबई के फर्स्ट बायर्स को ही थी। सो साथ में टी शर्ट्स थी और उनके कुछ लॉकेट्स थे, की चेन्स थे, वो सब दिए गए थे साथ में। सो यही सब हमें मिला था, बाकी पेपर वर्क था एंड दैट्स इट। आपके पास आपकी बाइक है और इसका चार्जर है, ये दो चीज़ आपको बाइक के साथ इंक्लूड होके मिलेगी। तो बात करते हैं जो एक्सक्लूसिव जानकारी मुझे मिली है यूवीटी टीम से। सो मोस्टली जो लोग चाहते थे कि मुंबई में इसका शोरूम कब ओपन होगा या फिर हमें मुंबई में टेस्ट ड्राइव करने कब मिलेगा, तो जहाँ तक मुझे पता चला है यूवी की टीम से, अल्ट्रा वायलेट की टीम से, सो इस मंथ के एंड तक यहाँ पर यूवी बेस मुंबई के नाम से एक इनका बेस सेंटर खुल जाएगा। इट्स नॉट अ शोरूम एक्चुअली, सो मोस्टली वहाँ पर सर्विसिंग, टेस्ट ड्राइव और बाइक भी अवेलेबल कराई जाएगी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो बेस है वो मोस्टली एज अ सर्विस सेंटर के जैसे ही है उनका, बट वहाँ पर ही सर्विस के साथ साथ आपको टेस्ट ड्राइव भी दी जाएगी और वहाँ पर ही आपको बाइक भी अवेलेबल हो जाएगी अगर आपको बुक करना है या देखना है बाइक, तो वहाँ पर हो जाएगी। एंड विद इन 3 to 4 months मुंबई में शोरूम भी ओपन हो जाएगा। तो जिसको भी अगर बाइक लेने का प्लान है, जिसको भी अगर बाइक लेनी है, तो आप ये मंथ तक रुक सकते हैं, ये मंथ के एंड में आपको मिल जाएगा यहाँ का बेस, यूवी बेस मुंबई। और एक्चुअली यही सेम चीज़ पुणे में भी ओपन हो रही है, तो उसका नाम होगा यूवी बेस पुणे, एंड वहाँ पर भी आप सेम चीज़ सर्विसिंग, टेस्ट ड्राइव और बाइक को बुक कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो उनका शोरूम होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट पुणे कि वहाँ का शोरूम कब ओपन होगा, बट मुंबई का शोरूम ओपन होने वाला है विद इन 3 to 4 months, और जो बेस है, यूवी बेस है, वो ये मंथ के एंड तक ओपन हो जाएगा। सो अगर जिसने भी मुंबई में ये बाइक ली है, सो एक्चुअली वो तो सब हमारे कांटेक्ट में है ही, हमारा कम्युनिटी है, और अगर कोई और ले रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कम्युनिटी में ऐड करेंगे। ये यूवी F77 की कम्युनिटी है और हम लोग उसके अंदर आपको ऐड करेंगे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। सो ये चीज़ मुझे पता चली है यूवीटी टीम से, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ट्राई करूँ, आप कमेंट में लिख सकते हो और मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लाने के लिए आपको। यूवी बेस का लोकेशन, यूवी बेस का लोकेशन अभी तक फिक्स नहीं है मुंबई वाला, एंड इसके लिए वो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं अपडेट कर दूँगा मेरे स्टोरीज पर या फिर शॉर्ट्स पर, शॉर्ट्स बना के मैं डाल दूँगा। और जैसे ही फर्स्ट यूवी बेस खुलता है मुंबई में, हम लोग उधर भी जाएंगे, उधर भी वीडियो बनाएंगे, बाइक की सर्विसिंग की भी वीडियो बनाएंगे, और सब चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ फॉलो करो प्लीज़। और लास्ट के दो वीडियो पे बहुत ही अच्छे रिस्पांस आए हैं, बहुत ही फास्टली ग्रो हो रहा है चैनल, एंड ऑल थैंक्स टू यू ऑल, तुम सबका सपोर्ट है इसके लिए ग्रो हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि इतने फटाफट व्यूज़ आने लगेंगे, इतने फटाफट सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, बट थैंक्स टू यू ऑल, और मेरे घर वालों को थैंक्स कि बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी कॉल कर करके, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि फटाफट सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और मैं ट्राई करूँगा वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, वीडियो के कंटेंट ज़्यादा डालने के लिए, एंड धीरे धीरे सब इम्प्रूव होएगा, ये तो बस शुरुआत है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे वीडियो की आइडियाज़ भी दे सकते हो, अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मोस्टली मैं सबको रिप्लाई तो दे रहा हूँ, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही किसी का कमेंट आता है मैं रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। सो आप वीडियो के आइडियाज़ दे सकते हो और मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की, एंड That's it for today. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए stay fit, stay healthy. Bye. चक्कर दूँ, चक्कर दूँ, चक्कर दूँ, चक्कर दूँ, चक्कर दूँ.